जब मुझे खुश रहे बाज रस्ते बस चलाए। और आज मैं आपको एक नए किस्म का जहाज बनाना सिखाऊंगा, और वो गैस करे कैसा जहाज होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं आपको दिखाता नहीं, जब बन जाएगा तब दिखाऊंगा। आज का रमजान चल रहा है, लोग तरावियाँ पढ़ा करें, रोजा रखा करें, रोज सवाब का काम है। चलिए अब हम अपने चलते हैं अपनी असल चीज पर। तो जी हमें इस तरह के 4 पेजेस ले लेने हैं। आप चाहे जिस तरह के चाहे ले सकते हैं, लेकिन हमें इसकी चारों साइड सिखाता हूँ। हमने पहले एक पेज लेना है स्केल पेंसिल। ऊपर वाली हर एक साइड 15, मैं 15 रखूँगा, आपने जितनी भी रखनी है रख लीजिएगा, मैं तो रखूँगा 15। तो जैसा स्केल नहीं होता, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। मैं यहाँ डॉट लगा लिया है, और यहाँ से यहाँ की तरफ देखूँगा, और यहाँ से ये इतना बनना, और अब यहाँ देखते हैं तो ये पूरा 15 बन रहा है। अब इसको ऐसे ये फाड़ लेंगे हम, यानी पहले यहाँ से भी फाड़ते हैं। यहाँ से फट चुके हैं, और अब यहाँ से करेंगे, हमें यहाँ से काट लिया। और अब चेक करते हैं, यहाँ से देखें दोबारा चेक कर लें एहतियाती तौर पर। यहाँ था 15, ठीक है, तो हमें इसको यहाँ से काटना है, बिल्कुल एग्जैक्ट रखेंगे ताकि कोई ऊपर नीचे ना सके। और यहाँ से भी काट लिया, ये हमारा स्केल तैयार हो गया है, इसको साइड पर रखा। और बाकी जो 3 पेजेस रह चुके हैं इनके भी ऐसे ही स्केल काट लें। यहाँ से यहाँ लाइन लगाओ, यहाँ लग के सीजर्स इसको काट लेते हैं। तो अब मैंने चारों कर लिए, काट लिए हैं, तो अब हम चलते हैं जहाज बनाने के पहले सेशन पर। तो पहले हमें इसको इक्वल यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे बराबर, बिल्कुल बराबर करके ऐसे कर देना है, और फिर दूसरी तरफ से ऐसे दोनों तरफ से करना है। कर लिया। अब इसको ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इसका एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इसमें इसको ऐसे करना है, ये इसको ऐसे फुल कोना बनाना है अपने से ऊपर से। ये हो गया, अब नीचे से भी करना है, चारों तरफ से कर लेना है, वो भी से
ये हो गया। यहाँ से करना है ऐसे, ये हो गया, ये बन गया। और अब इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, और इसको भी इक्वल इक्वल ऐसे करके ऐसे कर देना है। और जब ये जो नीचे वाली जैसे कौन टाइप है, इसको हमने ऐसे करना है, ये वाला जो है ये वाला, इसको हमने बैक साइड फोल्ड करना है, ऐसे प्रेस करना ताकि लाइन नजर आए। ऐसे ही ये जो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ही हमने चारों को बनाना है। जी अब हमारे ये चारों रेडी हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये भी। तो हमें अब ये हमने सबसे पहले बनाया था, ये हमें यहाँ रख देना है साइड पे। और अब इसका जो है, इसको हमने ऐसे करके एक ऐसे फोल्ड करना है, इसको भी ऐसे ही इस तरह फोल्ड कर देना है, इसको भी इस तरह करके ऐसे फोल्ड कर देना, इसको भी ऐसे करके इसे फोल्ड कर देना। और लास्ट वाला इसको कौन सी है, और हमें ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है। जो लाइन है ना, लाइन इसके हाफ में एक ऐसा आना चाहिए हाफ, और ऐसे एक और यहाँ, हमारा बन गया। ये देखिए अब ये जो है, ये वाला जो कॉर्नर है, आपने इसको ऐसे करके यहाँ डालना है, और दूसरे को यहाँ यहाँ डालना है, ठीक है। इसको हम गम भी लगा सकते हैं ताकि ये खुले ना, इसलिए मैं गम लगा रहा हूँ ताकि खुले ना। चेक कर लिया कौन सा पास है, जो कॉर्नर होगा ना उस पर गम लगा दूंगा, जिसके अंदर डालना। तो इसको मैंने अंदर डाला, चिपका दी, और इसको इस वाले के अंदर डालना है, फिट करना है। अब फिर जब इसको फिट करेंगे तो उसके अंदर भी गम लगेंगे। मैं गम आया था वो चिपक नहीं पा रहा, तो ये हो गया, एक हमने चिपका लिया। और अब ऐसे ही दूसरा चिपकाएंगे दूसरी तरफ। ये देखे हमने ये लगा लिया है, और अब इसको यहाँ चिपकाने के लिए हमें यहाँ भी गम लगानी पड़ेगी। और ये भी लग गया। आप ये जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है ना, जिन्हें चिपका है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे आप, यहाँ ऐसे इसको भी पकड़ना ताकि ये हो ना सके। और अब आपको ये वाला जो आखिरी रह गया है, इसको हमने यहाँ डाल लेना, यहाँ अरे यहाँ गमले रहेंगे। का पहला कोना यहाँ डाल दिया, और अब दूसरा कोना यहाँ डालना है, ऐसे कर दें। मुश्किल है डालना, लेकिन डाल रही है।
मुझे डर गया। थोड़ा सा और अंदर कर देती हूँ। हमें यहाँ सीजर्स की जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ से काटना है ताकि बैक वाले जींस बन सके। और हमें अब इसको ऐसे करके ऐसे करना है। थोड़ा तो जहाँ बना देते हैं तो देखिए ये हमारा जहाज बन के तैयार हो गया। देखिए इसका जुआ भाई जी। व्यूअर्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।